नमस्ते, मैं अथर्व जगन्नाथ मौर्य आज आप सभी के सामने 1851 में जो लड़कियों के लिए पाठशाला खोली गई थी उसके उद्घाटन समय महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो भाषण दिया था मैं उसे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, बच्चों, इस विद्यालय के उद्घाटन के पहले मैं उन सभी का आभार मानना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे लक्ष्य को पूरा करने में हमारी सहायता की। सबसे पहले मैं श्रीयुक्त भिड़े साहब का आभार मानता हूँ जिन्होंने हमें इस कोठरी में पाठशाला शुरू करने की अनुमति दी। मैं उन तमाम मिशनरी अध्यापकों का आभार मानता हूँ जिन्होंने हमें हर वक्त प्रेरणा दी। और साथ ही साथ मैं हमारे उच्च वर्णीय मित्रों का भी आभार मानता हूँ जिन पे दबाव होने के बावजूद भी उन्होंने हमारा उद्दिष्ट पूरा करने में हमारी मदद की। आज का दिन भाग्यशाली है। कुछ वर्षों पहले मैं अपने एक उच्च वर्णीय मित्र के बारात में गया था। वहाँ उस मित्र के रिश्तेदारों ने मुझे यहाँ से चले जाने को कहा और मेरा अपमान किया। उन्होंने यह कहा कि मैं शूद्र हूँ और शूद्रों को उनके कंधों से कंधे मिलाकर चलने का अधिकार नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं उस बारात को भ्रष्ट कर रहा था। उन्होंने मुझसे और भी बहुत सारी बातें कही जो मैं आज यहाँ दोहराना नहीं चाहता। उस रात मेरे आंखों में नींद नहीं उतरी। मेरे मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे पर मुझे किसी भी का जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे मेरे मन में यह बात आ गई थी कि हमें हमारे आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करना होगा, हमें हथियार उठाने होंगे, पर लाठी नहीं, तलवार नहीं, तोप तमंचा नहीं, बल्कि ज्ञान, विचार और सही शब्द। ज्ञान, विचार और सही शब्द केवल शिक्षा के ही बल से प्राप्त किए जा सकते हैं। मेरी पत्नी और मेरी पहली शिष्या सावित्री आप सभी को पढ़ाने में मेरी मदद करेगी। हमारा बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें ज्ञान को सबको प्राप्त करने देना है और इसे फैलाना है, क्योंकि ज्ञान एकमात्र दौलत है जिसे बांटना जरूरी है, जिससे हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। इसके दौरान हमारे सामने बहुत से चुनौतियां आएंगी, बहुत से बाधाएं आएंगे, पर हमें उनसे लड़ना है। इस सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप सफलता से आपका शिक्षण प्राप्त कर पाओ। धन्यवाद।